27% आरक्षण की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर बीजेपी द्वारा भूपेश बघेल सरकार से गुहार लगाई गई। भाजपा के पदाधिकारियों ने गांधी चौक के पास धरना प्रदर्शन किया। हम सभी आज भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सभी कार्यकर्ता आज दुर्ग जिला और भिलाई जिला के सभी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ता आज दुर्ग में एक दिवसीय धरना हम सब ने दिया है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के आह्वान पर आज हम सभी जो कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने दोनों सदनों में पिछड़ा वर्ग मोर्चा को 27% आरक्षण देने का जो वादा किया था उसको पूरा किया है। और जो राज्य की सरकार है, जितने भी भारत देश में भारतीय जनता पार्टी के संबंधित जितने भी समर्थन में सरकारें हैं, उन्होंने 27% आरक्षण को लागू किया है। लेकिन कांग्रेस की राज्यों में कहीं पर भी 27% आरक्षण को लागू नहीं किया है। उसी विषय को लेकर आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज दुर्ग में धरना प्रदर्शन किया है और अब मांग करते हैं भूपेश सरकार से कि 27% आरक्षण जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ में भी लागू करें, और यदि लागू नहीं करेंगे तो हम सब की लड़ाई आज तो पंडाल पर है और उसके बाद फिर बूथ स्तर पर प्रत्येक गांव-गांव में हम सभी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करेंगे। केंद्र सरकार मोदी की सरकार जो है 8 अगस्त 2018 को सदन में रख करके लोकसभा में पारित किए, राज्यसभा में हमारी बहुमत नहीं होने कारण पारित नहीं हुआ, लेकिन शीतकालीन सत्र में ये पारित हुआ और राज्यों को निर्देश किए कि आप अपने अपने राज्यों में अनुपात के अनुसार आप 27% आरक्षण लागू करें और छत्तीसगढ़ में अभी तक के यह आरक्षण लागू नहीं किया गया है। इसलिए आज छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा और मोर्चा के सभी जिला मुख्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया है और हम पूरे पिछड़ा और समाज के लिए यह मांग करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार से, कांग्रेस की सरकार से, कि वो जल्द से जल्द लागू करें ताकि वह पिछड़ा समाज के बच्चे को, चाहे डेंटल कॉलेज के माध्यम से हो, चाहे मेडिकल कॉलेज के माध्यम हो, चाहे सैनिक स्कूल के माध्यम हो, चाहे नवोदय विद्यालय के माध्यम हो, चाहे वह आपके केंद्रीय विद्यालय के माध्यम से हमारे 27% के आरक्षण जो पिछड़ा समाज के बच्चे को वहाँ प्रवेश मिल सके, इस भाव को लेकर के आज पूरी प्रदेश में छत्तीसगढ़ प्रदेश में सभी मुख्यालय में पिछड़ा मोर्चा के द्वारा आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया। पूरे देश में ओबीसी वर्ग के लिए 27% का आरक्षण लागू किया गया और अभी तक छत्तीसगढ़ में इसका क्रियान्वयन नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ में जो आधी आबादी पिछड़ा वर्ग का है और आज वो लाभ से वंचित हो रहे हैं, शिक्षा में, रोजगार में, व्यापार में, ऐसे अनेक आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिलना चाहिए। राज्य शासन इसमें ध्यान नहीं दे रही है। इसके तहत में पूरे प्रदेश में आज पिछड़ा मोर्चा द्वारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया है और राज्य सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि आप जल्द से जल्द 27% का आरक्षण लागू करें, नहीं तो उग्र आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा किया जाएगा।